लेबनान हजारों सालों से सभ्यताओं का संगम रहा है। इसके प्राचीन निवासी फिनिशियंस अपने समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए जाने जाते थे। वे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन्स ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। वे अपने साथ अपने देवताओं और मान्यताओं को लेकर आए। क्रिश्चियनिटी लेबनान में बहुत पहले आ गया था। बाइजेंटीन साम्राज्य के दौरान इसने मजबूत पकड़ बना ली। बाइजेंटीन्स ने सदियों तक लेबनान पर शासन किया। इस दौरान क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ। पूरे देश में चर्च और मठ बनाए गए। यह क्षेत्र अलग अलग क्रिश्चियन संप्रदायों का मिश्रण था। इनमें मैरोनाइट्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट्स शामिल थे। धार्मिक विविधता लेबनान के भविष्य को आकार देगी। सातवीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ। मुस्लिम सेनाओं ने पूरे मध्य पूर्व में अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने सातवीं शताब्दी के मध्य में लेबनान पर विजय प्राप्त की। इस्लाम के आने से लेबनान में एक नया धर्म अरबी प्रमुख भाषा बन गई। इस्लाम अपनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। कई लेबनानी लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। दूसरों ने अपने क्रिश्चियन धर्म को बनाए रखा। इस्लामी शासक आम तौर पर दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। हालांकि क्रिश्चियंस और यहूदियों को अक्सर कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तीसरी आय के थी। लेबनान पर सदियों तक विभिन्न इस्लामी राजवंशों का शासन रहा। मिस्र में केंद्रित फातिमिड खिलाफत ने कुछ समय के लिए लेबनान को नियंत्रित किया। बाद में एक शक्तिशाली सैन्य जाति मामलुक्स ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। प्रत्येक राजवंश ने लेबनान की संस्कृति और समाज पर अपनी छाप छोड़ी। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने लेबनान पर विजय प्राप्त की। ऑटोमन्स ने 400 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया। वे अपने साथ सापेक्षिक स्थिरता और समृद्धि का दौर लेकर आए। लेबनान सीरिया के ऑटोमन प्रांत का हिस्सा बन गया। ऑटोमन्स ने कुछ क्रिश्चियन समुदायों को स्वायत्तता प्रदान की। भाग 4, आधुनिक युग में लेबनान एक विभाजित राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। लीग ऑफ नेशंस के शासन आदेश के तहत फ्रांस ने लेबनान पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांसीसी शासन आदेश की अवधि में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। लेबनान की सीमाओं को एक बड़ी क्रिश्चियन आबादी को शामिल करने के लिए बनाया गया था। यह फ्रांसीसी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए था। फ्रांसीसी शासन आदेश के युग में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। विभिन्न धार्मिक समूह सत्ता और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इससे तनाव पैदा हुआ जो दशकों तक लेबनान को परेशान करता रहा। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली। देश ने एक कन्फेशनल व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था ने धार्मिक संबद्धता के आधार पर राजनीतिक शक्ति का आवंटन किया। भाग 5, आज का लेबनान, आस्थाओं और राजनीति का ताना बाना। लेबनान आज एक धार्मिक रूप से विविधता वाला देश है। मुस्लिम आबादी का बहुमत है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण क्रिश्चियन अल्पसंख्यक भी है। यह देश विभिन्न इस्लामी संप्रदायों का घर है। इनमें सुन्नियों, शियाओं और ड्रूज शामिल हैं। यहाँ कई क्रिश्चियन संप्रदाय भी हैं। लेबनान की धार्मिक विविधता ताकत और संघर्ष दोनों का स्रोत रही है। देश ने गृह युद्ध के दौर का अनुभव किया है। सांप्रदायिक तनाव एक चुनौती बनी हुई है। लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न धार्मिक समूहों के हितों को संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि
इस व्यवस्था से राजनीतिक गतिरोध और भ्रष्टाचार भी पैदा हुआ है। लेबनान अपने अतीत की विरासत से जूझ रहा है। इसका धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य जटिल बना हुआ है।